नमस्कार, मैं संतोष पिलानिया, सहायक आचार्य एशन गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोठारी आयोग के नाम से भी जिनको जाना जाता है। कल के वीडियो में हमने कोठारी आयोग का सामान्य परिचय उसके बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्हीं के नाम पर इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में, इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, आयोग के सदस्य जो नियुक्त किए गए थे 17 सदस्य, उन 17 सदस्यों ने अपने जो सुझाव प्रस्तुत किए, सिफारिशें प्रस्तुत की, उन सिफारिशों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है, यहाँ पे इसको आप कोठारी आयोग भी लिख लीजिए, कोठारी आयोग के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को की। अध्यक्ष प्रोफेसर डीएस कोठारी थे और जो संयुक्त सचिव थे वो जेपी नायक, आयोग के संयुक्त सचिव जिनको नियुक्त किया गया। इस तरह से कुल 17 सदस्य आयोग में नियुक्त किए गए, जिनमें से 6 विदेशी थे। विदेशियों में रूस, इंग्लैंड, इस तरह से कई ऐसे देश थे जो भारत के करीबी थे, उनमें से विदेशियों का सहयोग भी इसके अंतर्गत लिया गया कि आप भी हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ा बहुत, जो हम नया कुछ करने जा रहे हैं उसमें हम अपना योगदान देने का प्रयास करें। तो इसका जो उद्देश्य था आयोग को नियुक्त करने का, वो था स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया कि सभी पक्षों पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा के सभी पक्षों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून 1966 में प्रस्तुत की और जून 1966 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी स्तरों में आ जाएंगे, शिक्षा के सभी पक्ष आ जाएंगे, ऐसे नहीं है कि जैसे शिक्षा ही जैसे बच्चा जो किताबी ज्ञान है उसी में निपुण हो, अन्य जो कार्य हैं उनमें भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो निपुण होना चाहिए। जैसे समाज सेवा क्या है इसके बारे में विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए, कार्य अनुभव भी उसको होना चाहिए, नैतिक शिक्षा क्या है, इन सब से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। इस तरह से आयोग की जो सिफारिशें हैं, सुझाव हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए वो इस प्रकार से हैं। आयोग ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रस्तुत किए, यानी सामाजिक बदलावों पे भी इस आयोग ने सामाजिक बदलावों पे भी ध्यान दिया कि जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने सुझाव में वो प्रस्तुत किए। तो पहली जो सिफारिश है वो है समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा है वो दी जाए, क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था उसके बाद बालकों की शिक्षा पे तो फिर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा था, बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा था। तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं, यानी बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा है वो प्रदान की जाए, बालिकाओं को भी गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए, उनको भी शिक्षा के लिए, शिक्षा से बालिकाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा इस आयोग में कहा गया था। 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यवसायिक स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें से 25% जो माध्यमिक विद्यालय उनको व्यवसायिक विद्यालयों में कन्वर्ट कर दिया जाए, और इनमें कन्वर्ट करने का एक जो मेन उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ता जाता है उसे ये नहीं पता होता है कि हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, इसलिए इन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि 25% जो माध्यमिक विद्यालय है उनको व्यवसायिक स्कूलों में बदल दिया जाना चाहिए।
प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। आयोग का कहना था कि प्राइमरी कक्षा में जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर पे स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो प्राइमरी कक्षाओं को जो शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। फिर जो आगे जब हम बात करते हैं तो स्थानीय जो माध्यमिक स्तर है उसमें स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 6 वर्ष पूरे होने पर प्रथम कक्षा में नामांकन कर दिया जाए। जैसे आजकल जो चल रही है नर्सरी, LKG, UKG, तो इनकी बात कोठारी आयोग ने भी की थी कि 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कि बच्चा जब 3 साल का हो जाए तो 3 साल तक उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाए और जब वो 6 साल का हो जाए तब उसको फर्स्ट जो प्रथम कक्षा है उसमें उसका नामांकन है वो कर दिया जाना चाहिए। तो 6 वर्ष का होने पर ही उसका जो प्रथम कक्षा है उसमें उसका नामांकन होना चाहिए विद्यार्थी का, ऐसा आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था। तो स्टूडेंट्स, अन्य जो और भी सिफारिशें हैं, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत आयोग था, उसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।